हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं थर्मल टू, जो कि मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट का होगा। ओके, थर्मल टू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग को यह क्वेश्चन पढ़ के जाना है थर्मल टू के सब्जेक्ट में। ओके, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। यदि फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के कोई भी आपका फ्रेंड हो तो उसके पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। ओके, जैसे कि देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टैंडर्ड साइकिल विथ पीवी एंड टीएस डायग्राम। स्टैंडर्ड साइकिल एंड अजम्पशन ऑफ स्टैंडर्ड साइकिल, ये भी होता है तो उसको आप लोग पढ़ लेना, स्टैंडर्ड साइकिल को और पीवी एंड टीएस डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ओके, यस। नेक्स्ट क्या है, ड्रा द जनरल लेआउट ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन विथ पीवी एंड टीएस डायग्राम। आप लोग सुने होंगे क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, तो उसके बारे में पढ़ के जाना है पीवी एंड टीएस डायग्राम भी। ओके, डायग्राम ज़रूर बनाइएगा क्योंकि फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेमेस्टर एग्जाम में। ड्रा द जनरल लेआउट साइकिल, ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल दोनों पढ़ लेंगे, दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक, और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पढ़ लेंगे, जो कि चार नंबर में यहाँ पे दिया गया है। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, टर्बोजेट, रैमजेट, एक होता है रॉकेट प्रोपल्शन विथ नीट एप्लीकेशन। ठीक, ये तीनों में से एक क्वेश्चन सिक्स नंबर में फिक्स आप गारंटी के साथ 100% आएगा, तो आप ये दोनों को अच्छे से वर्किंग कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड डायग्राम सारे बना लेंगे। और जेट एंड रॉकेट पॉपुलेशन में डिफरेंस, जो कि आपको चार नंबर में आएगा, आप चार से पांच पॉइंट लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक, फिर क्या, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एंड गिव इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, आपका जो स्टीम होता है, स्टीम का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस, और आप इसमें ग्राफ भी पढ़ रहे होंगे। ठीक, जिसमें सेचुरेशन टेम्परेचर हो गया, वेपर टेम्परेचर, ये सब को दर्शाया जाता है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, नाइन नंबर छः नंबर में पूछा जाएगा। अब देखिए, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म, ये जो है आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा। ठीक, या तो ऐसे आ जाएगा, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म, यानी छः नंबर में पूछ दिया जाएगा, वेट स्टीम क्या है, ड्राई स्टीम क्या है और सुपर हीटेड स्टीम क्या है। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर देखिए, शॉर्ट नोट्स, जो कि सेचुरेशन टेम्परेचर, डायनेस प्रेक्शन और क्रिटिकल पॉइंट आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये, हमेशा ये जो आएगा ये चार नंबर में आ सकता है। ठीक, एक्सप्लेन द सेपरेटिंग क्लोरोमीटर एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखिए, जो डायनेस प्रेक्शन को मापने के लिए बहुत सारे क्लोरोमीटर का यूज करते सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये वाला पढ़ के जाना है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ओके, तो ये पढ़ के जाना है। एक्सप्लेन एनी टू, दो को एक्सप्लेन कर देना है प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, ये आप थर्ड में भी सेमेस्टर में भी पढ़े हुए प्रोसेस, तो इसको दो को एक्सप्लेन कर देना है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ द विलकॉक्स बॉयलर होता है एक कोकरन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स गारंटी आना है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, वो भी छः नंबर में आएगा, और फिगर जरूर बनाइएगा तब आपको नंबर मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब में डिफरेंस। ओके, तो चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा, किसका एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, फायर ट्यूब का होता है कि वाटर ट्यूब का एफिशिएंसी किसका ज़्यादा होता है, प्लीज राइट कॉमेंट दिस क्वेश्चन आंसर। ओके, राइट द फंक्शन ऑफ, ये सब के बारे में लिखना है, फ्लेक्सिबल प्लग क्या होता है, सेफ्टी प्लग क्या होता है, फीट पैम क्या होता है, एयर फ्री हीटर क्या होता है, इकोनोमाइजर क्या होता है, ये सब आप लोग सुने होंगे वॉलियर में। ठीक, सेफ्टी वाल्व होता है, प्रेशर गेज होता है, अपर हेडर होता है, लोअर हेडर होता है। ठीक, बहुत सारे सुने होंगे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ के जाना है। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इवेपोरेशन, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, ये आपके इस बार भी आया था, यानी जो भी इसके पहले हुआ था ना पिछला फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पढ़ के जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन फोर्स थ्रोट एंड नेचुरल थ्रोट, नेचुरल थ्रोट एंड फोर्स थ्रोट के बारे में आप लोग काफ़ी पढ़े होंगे, तो कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, व्हाट इज थ्रोट। ओके, थ्रोट क्या है, प्लीज कमेंट।
ओके, इसका आंसर कमेंट करेंगे। बीच ए नीट स्केच एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल। नोजल से भी क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, तो नोजल को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। डिस्कस द वर्किंग ऑफ द स्टीम इंजेक्टर। स्टीम इंजेक्टर के बारे में भी पूछा जाता है, क्या होता है स्टीम इंजेक्टर, जो कि काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है ये हमारे SVT का। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 भी पढ़ लेंगे। ओके, यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्सप्लेन डी लेवल इम्पल्स टरबाइन। डी लेवल इम्पल्स टरबाइन के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक। यदि अब इसका आंसर क्वेश्चन बैंक में भी काफ़ी अच्छा से दिया गया वेनस का क्वेश्चन बैंक, तो ये वाला भी आप पढ़ लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट अ डिफरेंट मेथड ऑफ द रिड्यूसिंग रोटेटर स्पीड, और व्हाट यू मीन कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन। दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही होता है, लेकिन आपका क्वेश्चन देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन आंसर एक ही होता है, मतलब एक ही होता है तो आंसर भी एक ही होगा, ठीक। तो ये भी याद कर लेंगे, 6 नंबर में यह क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन, ड्रा द कंपाइंड वेलोसिटी ट्रेंगल फॉर सिंगल स्टेज रिएक्शन टरबाइन एंड ड्राइव एंड एक्सपेंशन फॉर वर्क डन वर स्टेज। जो भी टरबाइन सिंगल स्टेज टरबाइन होता है उसको ये डायग्राम ये करना है, ठीक। राइट अ नीट स्केच टू एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द नोजल कंट्रोल गवर्निंग ऑफ द स्टीम टरबाइन, ठीक। और नेक्स्ट क्या रैंकान साइकिल TS एंड TS डायग्राम, ठीक। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। और एक क्वेश्चन और जोड़ लीजिए, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन में अंतर भी आपको पूछ सकता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन पढ़ के 100% जाना है, ठीक। 100% याद करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। ओके, यदि ये सारे क्वेश्चन याद है तो और भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए जो कि सिलेबस में दिया गया है, ठीक, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और एक बात और, बात किया जाए नॉर्मिकल, नॉर्मिकल का क्वेश्चन कहाँ से बना है, तो नॉर्मिकल का जो क्वेश्चन है वो वेनस क्वेश्चन बैंक से बना लीजिएगा, उसमें बहुत उसमें नॉर्मिकल भी दिया गया है, और स्टीम टेबल का यूज करके बनाइएगा, और स्टीम टेबल को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, एंड यदि और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। ओके, और अगला सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक। सबसे फर्स्ट एग्जाम आपका मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, ठीक। तो अगला जो वीडियो होगा इसी से रिलेटेड होगा, या तो सोम का वीडियो या टोम, सोम या टोम का वीडियो आएगा, तो वीडियो को देखना ना भूलें। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप सेमेस्टर की तैयारी प्रत्येक दिन अच्छी तरह से हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहिए, ताकि आपका नंबर काफ़ी अच्छा हो और आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सके और आपका माइंड भी ज़्यादा डेवलप्ड हो। ओके, बाय, टेक केयर।